पहला सेशन है वो मैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर बात करना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। हम लोग सिंपली इसको बोलते हैं सराउंडिंग, कंडीशंस अराउंड अस इज इन्वायरमेंट, बट दिस इज नॉट वेरी ट्रू। इन्वायरमेंट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, सॉयल एंड लिविंग थिंग्स दैट आर एक्ट अपॉन ऑन ऑर्गेनिज्म और एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी एंड अल्टीमेटली डिटरमाइन इट्स फॉर्म एंड सर्वाइवल। तो जो इन्वायरमेंट है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज हैं, केमिकल एक्टिविटीज हैं, बायोटिक एक्टिविटीज हैं, जो कि हमारे फॉर्मेशन के लिए हमको किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे, इन पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और इसी के साथ हमने कहा कि टॉपिक है हमारा इश्यूज और क्राइसिस, दैट क्राइसिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर। आज हम इस टॉपिक को इसलिए भी डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के सामने क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या क्राइसिस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हम इस प्रॉब्लम से अपने को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, इस ग्लोबल इन्वायरमेंट में जो क्राइसिस है, जो इश्यूज है, जिनको हमको लुक आफ्टर करना है, जिसको हमको मैनेज करना है, वो एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा जो क्राइसिस है हम फेस कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, पूरा ग्लोब फेस कर रहा है, दैट इज एयर पॉल्यूशन। अनदर इज वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो हम नए नए टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दे आर समटाइम्स गुड इन द केस ऑफ प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न्ड, अदरवाइज दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू अडॉप्ट और वी आर अडॉप्टिंग इज डेंजरस। वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड देयर रिड्यूसल इफेक्ट ऑन एयर, ऑन वाटर, ऑन लैंड इज वेरी डेंजरस। स्लाइटली इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, इट इमिट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट एंड इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन मैराइन पॉपुलेशन, ऑन लैंड पॉपुलेशन, ऑन आवर वेजिटेशन। सो वी हैव टू हैव लुक आफ्टर और कंजर्व और मैनेज दीज हजार्डियस केमिकल्स। इसलिए हमको क्या चाहिए कि हमको अगर मॉडर्न एग्रीकल्चर एडॉप्ट करनी है, तो जैसे हमने कहा कि हम बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड ये यूज करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस तरह पे जाना पड़ेगा, या हमको जो भी मैकेनिकल मीजर्स हैं, जो भी फिजिकल मीजर्स हैं, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमको केमिकल से अवॉइड करना पड़ेगा, हमको वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे कि इस तरह के जो क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हमको बचा जा सके। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज की है, ग्लोबल वार्मिंग की है। आपको पता होगा कि एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, दिस इज बाय वॉल्यूम, 21% ऑक्सीजन होता है, और एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर 0.03%, ध्यान दीजिएगा, 0.03% कार्बन
होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पर 2015 में दिस इज इंक्रीज्ड बाय 0.01%। ये जो कार्बन की जो परसेंटेज है उसमें 0.01% की बढ़ोतरी हो गई, और 2015 में रिकॉर्ड किया गया कि द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सम प्लेसेस इज 0.04%। और ये 0.04% होने के कारण क्या हुआ कि पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अभी हम डिस्कस करेंगे आइस कैप, जो हमारा बर्फ का बर्फ थी वो भी पिघलने लग गई है। उसके पिघलने से क्या होगा कि जो सी सोर्स पे जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा, वाटर के अंदर कंटामिनेशन हो जाएगा, और बहुत तरह की हमको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, और भी गैसेज हैं, मीथेन है, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर है, तो बहुत से हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन है। और पूरी दुनिया में हमने अनसाइंटिफिक तरीके से डेवलपमेंट किया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, और टेक्नोलॉजी का जो इन्हांसमेंट हुआ वो हमने क्या किया, जुडिशियस तरीके से नहीं किया, साइंटिफिक तरीके से नहीं किया, हमने अनसाइंटिफिक तरीके से डेवलपमेंट किया। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से हमने रोड नेटवर्क को अच्छा करने की कोशिश की, डिफॉरेस्टेशन किया, जो कि सबसे बड़ा जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है फेलिंग ऑफ ट्रीज विदाउट द इंटेंशन ऑफ रीफॉरेस्टिंग इट। ट्री को फेल करना ही डिफॉरेस्टेशन में नहीं आता, हम वेलबींग के लिए भी करते हैं, हम कॉमर्शियल प्लांटेशन करते हैं, हम रीप्लांटेशन के लिए भी कर सकते हैं, पर हम डिफॉरेस्टेशन जब वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा इंटेंशन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है टू रीफॉरेस्ट। तो डिफिनेशन बहुत सिंपल है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ का काटना, विदाउट द इंटेंशन ऑफ रीफॉरेस्टिंग, पेड़ काटना हमारा मतलब है, ट्री को हार्वेस्ट करना हमारा मतलब है, हमारा ये हमारे दिमाग में नहीं है कि हम उसको रीफॉरेस्ट करेंगे, तब ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज डीफॉरेस्ट। और आपको पता ही है कि हम बार बार कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो कार्बन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे हो रही है अगर हम ट्री को फेल करते हैं, हम चाहे पेड़ की पत्ती की बात करें, हम सिर्फ झाड़ियों की पत्ती की बात करें, या छोटी एक घास की पत्ती की बात करते हैं, प्लांट लीफ जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और जिसके जिन के अंदर क्लोरोफिल होता है उन्हीं की क्षमता होती है टू फोटोसिंथेसिस। तो किसी प्लांट के अंदर, किसी लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कैटलिस्ट और एनर्जी से जो एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम कम करना चाहते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एनर्जी, कैटलिस्ट, ये ग्लूकोज फॉर्म करती है, C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज करती है जो कि प्लांट और एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर रिलीज करती है। तो अगर हम डिफॉरेस्ट करते हैं, या बहुत एक छोटी सी उसमें बात करूं कि हम किसी भी एक पत्ते को भी तोड़ रहे हैं, इसका मतलब है वी आर गोइंग टू रिड्यूस, going to check the photosynthesis process, और अगर हम photosynthesis process को रोकते हैं तो इसका मतलब है कि हम environment के अंदर कार्बन को बढ़ा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस होता तो कार्बन यूज हो जाता। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है कार्बन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, हम बहुत तरीके से कार्बन को सिस्टम के अंदर इमिट कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम है। पिछले 10 सालों में आप देख लीजिए किस तरह से टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ, किस तरह से रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हुआ, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज का सामना करना पड़ा, एवलांचेस का सामना करना पड़ा। ये बहुत से कारण हैं जो इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हुआ। आपको ये भी समझना पड़ेगा और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा 1 किलो का है, ड्राई वुड, वह 1 किलो लकड़ी का टुकड़ा 0.5 किलो कार्बन को अपने अंदर स्टॉक किए रहता है। इसका मतलब है कि एक पेड़ जो है, अगर उसका बायोमास, बायो मतलब बायोमास में ड्राई वेट, उसका जो बायोमास होता है नियरली 50% ऑफ द बायोमास इज कार्बन। इसका मतलब है कि वो अपनी बॉडी के अंदर अपने वजन का, अपने बायोमास का, बायोलॉजिकल मास का 50% मास का कार्बन अपने अंदर स्टॉक किए रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको डिफॉरेस्टेशन करना है, वैसे डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, मैच्योर प्लांट्स को ही फेल करें, पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो जितना एरिया हम क्लियर कर रहे हैं उतने एरिया को हमको रिफॉरेस्ट करना चाहिए। और क्राइसिस हमारे पास क्या है? बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी मींस डायवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग, डायवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोरा मींस प्लांट एंड फना मींस एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डायवर्सिटी की बात कर रहे हैं। डायवर्सिटी मींस वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। तो अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम बायोडायवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स और ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब आपको मैं बताऊं कि व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट इज एक्चुअल लिविंग कंडीशन फॉर ए पर्टिकुलर प्लांट और ए पर्टिकुलर एनिमल। किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल के लिए जो बेस्ट सुटेबल कंडीशन है, कंडीशन मींस बेस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, बेस्ट सुटेबल इडेफिक मींस सॉइल कंडीशन, बेस्ट सुटेबल टोपोग्राफिकल कंडीशन एंड बेस्ट सुटेबल बायोटिक फैक्टर्स। तो अगर हम हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं, हम क्लाइमेटिक इडेफिक टोपोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं इनमें मॉडिफिकेशन करते हैं, तो दिस इज रीजन फॉर बायोडायवर्सिटी लॉस। इफ बायोडायवर्सिटी इज लॉस्ट इट मींस आवर सर्वाइवल इज अफेक्टेड। सो पूरी दुनिया के सामने ड्यू टू दिस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू अबव दीज पॉइंट्स we are losing biodiversity of plants and biodiversity of animals. Another crisis we are facing is invasive species. These invasive species affect the composition and survival of desired plants. They modify the soil, they affect the productivity or growth of desired species. तो ये invasive species जो हैं वो धीरे 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 जो good pasture lands हैं, जो fertile lands हैं, ये इनको encroach कर रही हैं और encroach करते करते उनकी productivity को affect कर रही हैं।
और मैंने सबसे बाद में जो डिस्कस करना चाहा था वो था ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, और यही ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ही ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज का सबसे बड़ा कल्प्रिट है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, आपको पता होगा आजादी के समय भारत की जो पॉपुलेशन थी वो करीब 47-48% आपके करोड़ थी, और अभी हम 75वां साल मना रहे हैं अपनी आजादी का, और आज हमारी पॉपुलेशन आजादी के समय की पॉपुलेशन के करीब 90 करोड़ बढ़ चुकी है। 75 साल में हम 90 करोड़ बढ़ चुके हैं। और आपको यह जानकारी मैं इसलिए भी देना चाहता हूं, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्लोजन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। पूरी दुनिया का जो लैंड एरिया है, तो पूरी दुनिया का लैंड एरिया है ये करीब 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है, और इस लैंड एरिया का हमारे पास केवल 2.47% है। पूरे ग्लोबल लैंड एरिया का केवल 2.47% लैंड एरिया इंडिया के पास है। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है दैट इज 328.9 मिलियन हेक्टेयर्स। भारत के पास जो भौगोलिक क्षेत्र है दैट इज 328.9 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज 2.47% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया जो भारत का भूभाग है। और भारत में टोटल वर्ल्ड का जो टोटल फॉरेस्ट है, पूरी दुनिया के फॉरेस्ट का हमारे पास 1% फॉरेस्ट है। भारत पूरी दुनिया का 7th largest country है। इंडिया इज द 7th largest country ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग 2.47% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, हैविंग 1% फॉरेस्ट, एंड इंडिया हैज मोर देन 17% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड मोर देन 17% ऑफ द कैटल पॉपुलेशन। इट मीन्स वी हैव मोर देन 35% ऑफ द ह्यूमन एंड कैटल पॉपुलेशन। अब आप देख लीजिए, हमारे पास जमीन है पूरी दुनिया की 2.47, पर हमारे पास ह्यूमन और कैटल पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया का 35% है। और जब पूरी दुनिया का 35% हमारे पास कैटल ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसका मतलब पर कैपिटा लैंड होल्डिंग बहुत कम हो गई। पहले हमारा एक्सपेंशन हॉरिजेंटल होता था, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए भी जो एग्रीकल्चर क्रॉप हम ग्रो करते थे वो हॉरिजेंटल करते थे। नाउ वी आर मूविंग फॉर वर्टिकल। पहले घर दूर दूर बने हुए थे, आज घर क्या होता है बिकॉज वी डोंट हैव लैंड एरिया। अब क्या है कि घर के ऊपर घर बनते हैं, मल्टी स्टोरी घर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव स्कोप ऑफ हॉरिजेंटल एक्सपेंशन, सो वी आर मूविंग वर्टिकली फॉर आवर लिवलीहुड, फॉर आवर शेल्टर। तो सबसे बड़ी जो पॉप क्राइसिस है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। इससे क्या है कि जो लैंड के ऊपर प्रेशर है, वी हैव लिमिटेड लैंड, आउट ऑफ दिस 328.9 मिलियन हेक्टेयर, लेस देन 50% ऑफ दिस टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, हम केवल 50% से कम जमीन को उपयोग कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू फीड आवर पॉपुलेशन। ठीक, इससे क्या हो रहा है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो
डिमांड और सप्लाई के बीच गैप बढ़ता चला जा रहा है। डिमांड बढ़ती जा रही है बट वी आर नॉट एबल टू सप्लाई इट, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉरेस्ट प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और अदर आवर रिक्वायरमेंट्स। सो द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इज गोइंग ऑन widening. If this situation is this, it means ultimately the price of every commodity is increasing. So these are the problems, these are the issues we are facing, and we move one by one discussing on these problems. First of all, I will define that what is environmental issues are. Environmental issues are defined as problem with the planet system. जो भारत का planet है, जो globe है, जो earth है, वो किस तरह से air, water, soil that have developed as a result of human interference एंड mistreatment ऑफ द planet. हमने इस धरती का दोहन किया है, हमने इलीगल तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से इस अर्थ में जो भी एक्टिविटीज की हैं, जो भी हमने नेचुरल प्रोसेस को नेचर में इंटरफियर किया है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस मीन्स एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस. तो इन्वायरमेंटल इश्यू इस ग्लोब में ह्यूमन इंटरफेरेंस से और इलीगल तरीके से, मिस ट्रीटमेंट से हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, खुद क्रिएट की हैं. आवर प्लेनेट इज पॉइज्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ ए सीवियर इन्वायरमेंटल क्राइसिस. हमारी जो धरती है वह गंभीर पर्यावरण संकट के कगार पर है. We are facing severe environmental crisis. I have already mentioned the names, the points, which type of crisis we are facing. तो हम आज के डेट पर ये जो पृथ्वी है, ये जो ग्रह है, वो गंभीर पर्यावरण संकट के कगार पर आ गया है. और भविष्य में आपदा और त्रासदियों के प्रति संवेदनशील भी हो गया है. ये जो करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है मेक अस वल्नरेबल टू डिजास्टर एंड ट्रेजडीज. हम जिस तरह मूव कर रहे हैं, हम जिस तरह से इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वह हमारे लिए बहुत संवेदनशील हो गया है. आने वाले समय में हम तरह तरह के डिजास्टर, तरह तरह की त्रासदी को इनविटेशन देते जा रहे हैं. और अभी आप देख लीजिए रसिया और यूक्रेन के बीच का ताजा युद्ध, पूरी दुनिया प्रोटोकॉल COPs कर रही है, क्योटो प्रोटोकॉल और तरह तरह की समिट्स कर रही है टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू सेव अर्थ. पर हम केवल किताबी में बात, केवल हम मीटिंग्स में इसको बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं. अब आपके सामने यूक्रेन रसिया युद्ध है. हमने अभी कुछ देर पहले इन्वायरमेंटल इश्यूज पर बात की थी, उस पर हमने डिस्कस किया था एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब के सब आपको इसी युद्ध के अंदर देखने को मिल जाएगा. हम डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में न्यूक्लियर बम की बात की जा रही है. तो हम तो इस जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है इसको हम बढ़ा रहे हैं, हम घटा नहीं रहे हैं. और आपको पता होना चाहिए कि जिस क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं,
जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो कार्बन सबसे ज्यादा कौन इमिट कर रहा है, कौन इन्वायरमेंट के अंदर डाल रहा है, वो कार्बन सबसे ज्यादा या जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में कौन डाल रहा है, यही डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका, चाइना, रसिया और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये सबसे ज्यादा कार्बन इमिट कर रहे हैं। ये जो रेड और रेड प्लस आपने कभी सुना होगा, REDD प्लस, दिस इज रिडक्शन इन डिफॉरेस्ट्रेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें ये जो हमने रेड रेड प्लस कहा ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज इससे बाहर चली गई है, उनको एनवायरमेंट में फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करना, डिग्रेड करना, इसमें उन्होंने खुल करके पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है ये। और जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको तो अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है जिससे कि वो अपने इकोनॉमी को ऊपर बढ़ा सकते हैं, पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही सबसे ज्यादा इमिट कर रहे हैं। तो इस कहने का मतलब है ये है कि हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सी त्रासदी, बहुत से डिजास्टर्स हमको देखने पड़ेंगे। इसलिए हमने जब डिफाइन किया कि एनवायरमेंट इशू क्या है, तो दिस इज प्रॉब्लम विद द प्लेनेट सिस्टम दैट हैव डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस और मिसट्रीटमेंट ऑफ द प्लेनेट। तो हमको इसको बचाना है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ प्लेनेटरी एमरजेंसी विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पाइलिंग अप हाई अराउंड अस। धीरे 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 पूरी दुनिया में ये जो क्राइसिस है उसका ढेर बढ़ता जा रहा है, और जब प्रॉब्लम्स का ढेर बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय और क्राइसिस का होगा और डिफिकल्ट होगा। अनलेस वी एड्रेस द वेरियस इश्यूज, जब तक कि हम इन इश्यूज पर न्यायोचित और गंभीरता पूर्वक सीरियसली वी आर not discussing, we are not taking this problem, we are doomed for disaster. पक्का है कि हम आने वाले टाइम में बहुत बड़े घटना चक्र को, त्रासदी को देखेंगे अगर हम वाकई गंभीर हैं तो। हमको न्यायोचित तरीके से डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था उन पर देखना पड़ेगा। अगर हमने उसको नहीं देखा तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। करंट एनवायरमेंट प्रॉब्लम आल्सो रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। पूरी दुनिया को जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, चाहे वो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हो, चाहे वो सबसे बड़ा फैक्टर ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, अगर हमने इसको नहीं रोका तो आने वाला समय या आने वाली जनरेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट पीरियड होगा। जो हमने डिस्कस किया उसको मैं और एलेबोरेट करता हूं कि जो हमारे पूरी दुनिया के सामने आज के टाइम में द करेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो है एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, रेडिएशन पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जैसे हम कह रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रा रेड रेज, ठीक है, जो सूरज की रोशनी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंदर
एक रेंज होती है जिसको हम बोलते हैं विजुअल रेंज। विजुअल रेंज क्या होता है, जिसका स्पेक्ट्रम है 400 मिली माइक्रॉन टू 720 मिली माइक्रॉन। और अगर ये रेज डिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो ये 7 कलर्स जिसको हम जानते हैं वेग्योर। तो जो वेवलेंथ विजुअल रेंज से कम आती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है, अगर हम एनवायरमेंटल लेयर की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल लेयर में क्या है कि जो सबसे नीचे की लेयर है जिसको आप जानते होंगे ट्रोपोस्फीयर है, इसमें लाइफ है, जहां पर कुछ ओजोन भी मिलती है, पर जहां पर प्लांट एनिमल सर्वाइव करें, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। तो वो रेंज है ट्रोपोस्फीयर, जिसका एक्सपेंशन है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू नियरली 12 to 15 किलोमीटर्स। उसके ऊपर की एक लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और इस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर 20 से लेकर के 25 किलोमीटर के हाइट पर एक लेयर मिलती है जो O3, जिसको हम बार ओजोन कहते हैं। और ये ओजोन जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3 जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन और OCl OBr में बाई फॉरगेट करते रिएक्ट कर जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, और डिप्लीट होने के कारण क्या हो रहा है कि जो इन अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ग्राउंड पा रहे हैं, जिससे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस, कुछ एडवांटेज भी है पर डिसएडवांटेज इसके ज्यादा है। तो धीरे 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 ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हम डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, अभी हमने बात भी की कि अगर ये युद्ध है और इस युद्ध के अंदर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तब क्या होगा, और ये लैंड में वाटर में कंटामिनेट करेगा उसको। वाटर पॉल्यूशन अगला क्राइसिस है। आपको पता होना चाहिए कि 71% जो आपका ग्लोबल एरिया है, जो ग्लोबल एरिया है उसका 71% एरिया ओशन है। उसके बाद भी जो हम वाटर यूज कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ह्यूमन यूज, दिस इज लेस देन 1%। और धीरे धीरे वाटर टेबल भी डिप्लीट हो रही है, जिससे कि आने वाले टाइम में वाटर प्रॉब्लम भी आएगी। और जो वाटर हम अपने पीने के लिए यूज कर रहे हैं, इरिगेट करने के लिए यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर, वो भी हम पॉल्यूट कर दे रहे हैं बाय, अगर हम एक एग्जांपल दे दें कि मॉडर्न एग्रीकल्चर, वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर, वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, और ये जितने भी हम चीजें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उसका मेजर जो हम अप्लाई कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड, उसका मेजर पार्ट जो है वो या तो एयर में जा रहा है या वाटर में जा रहा है या लैंड में जा रहा है, और बहुत लिमिटेड उसका कंटेंट प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम कर रहे हैं कि जो हमारे पास पीने का पानी, हम कह रहे हैं कि 1% ऑफ द टोटल वाटर है, उसको भी हम कंटामिनेट कर रहे हैं डिफरेंट मीन से। रेनफॉल पैटर्न प्रॉपर न होने के कारण डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, सैंड ड्यून्स एक्सपेंड कर रहे हैं। सैंड ड्यून एक्सपेंड करने का मतलब है डेजर्ट कहां पर होगा, जहां पर रेनफॉल कम होगी।
रेनफॉल कम होना क्योंकि प्लांट ग्रो कैसे करेगा, प्लांट ग्रो वहीं पर कर सकता है जहां पर वाटर होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स को ज्यादा होती है, या दूसरे वर्ड्स में कहें कि मोर देन वन पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नेचर में बहुत अवेलेबल है, इसको हमको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। पर मेजर न्यूट्रिएंट में और क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फर चाहिए, कैल्शियम चाहिए। और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए होती है, लेस देन 1 ppm चाहिए, जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरान है, आयरन है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, पर दीज आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम सॉयल को भी कंटामिनेट कर रहे हैं। तो अगर हम सॉयल को भी कंटामिनेट करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे, और जब न्यूट्रिएंट्स कम होंगे इसका मतलब है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, और अगर लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड सप्लाई के बीच गैप बढ़ रहा है, और अगर प्रोडक्शन कम होता जाता है ड्यू टू स्कर्सिटी ऑफ रेनफॉल, स्कर्सिटी ऑफ वाटर और सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, तो दिन पर दिन ये जो गैप है वो और बढ़ता जाएगा। अनदर प्रॉब्लम इज, या बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एनवायरमेंटल इशू इज डिफॉरेस्टेशन। क्यों? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे सिंपल टारगेट है, सबसे इजी टारगेट है फेलिंग ऑफ ट्रीज। और फेलिंग ऑफ ट्रीज पर मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया था कि अगर हम एक भी लीफ को कम कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कम कर रहे हैं, और अगर हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कम कर रहे हैं इसका मतलब है वी आर इमिटिंग, we are increasing the concentration of carbon dioxide, और अगर हम carbon dioxide की concentration को बढ़ाते जाएंगे so this is very dangerous। धीरे 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 rainfall pattern से आपके snow की melting हो जाएगी, जो area sea shore के साथ है वो संबर्द हो जाएंगे, और बहुत सी problems जो लगातार सुनामीज आ रही हैं, इनके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अनदर प्रॉब्लम इज एसिड रेन। आपको पता है इंडस्ट्राइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है, व्हीकल मूवमेंट है, इंडस्ट्रियल जो आपके स्मोक निकल रहा है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जब ये दोनों मिल करके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं रेनफॉल होती है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं, और ये जो एसिड है वो ह्यूमन पॉपुलेशन, बिल्डिंग्स, प्लांट्स सब पर नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। ओजोन लेयर, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होगी तो इसका मतलब है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो अर्थ पर आएंगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ेगा। तो दीज आर द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल क्राइसिस वी आर फेसिंग।
अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो नेचुरल कैपिटल है, नेचुरल कैपिटल का मतलब है कि जो नेचर है वो हमको, हमारे इकोसिस्टम को नेचुरल स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम सरवाइव कर रहे हैं। ये स्टॉक जो है वो इकोनॉमी के को बढ़ा रहा है, इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, पर हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये नेचर है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक हमारे वेल बीइंग के लिए है, पर हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जो इकोसिस्टम हमारे वेल बीइंग के लिए हमको प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट सर्विसेज हो, जो भी सर्विसेज हमको वो प्रोवाइड कर रहा है, उन सर्विसेज को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, अगर हम इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जो भी पॉलिसीज बनती हैं, उस पॉलिसी में हमको क्लाइमेट चेंज को लेना पड़ेगा, हमको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो कि क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट, हमको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी नेचर एंड बायोडायवर्सिटी के ऊपर, हमको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी नेचुरल रिसोर्स एंड वेस्ट के ऊपर, और हमको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉलिसीज प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय हमारे लिए और टफ हो जाएगा। इसलिए हमको प्रायोरिटी बेसिस पर न्यू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनाना पड़ेगा और इनको वेटेज देना पड़ेगा, हार्ड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। पर अगर हम मीटिंग्स के ऊपर, अगर हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर, हम तरह तरह की बातें कर करके इन्वायरमेंट को बचाना चाह रहे होंगे तो ऐसे नहीं होगा। हमको ग्राउंड के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस ग्लोबल या ग्रीन हाउस गैसेस, हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस टेम्परेचर बाय 1 degree इन नियर फ्यूचर। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमको तैयार रहना चाहिए कि हम अगली जनरेशन के लिए बहुत सी प्रॉब्लम छोड़ के जाएंगे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर लूं। आवर इन्वायरमेंट इज कंस्टेंटली चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? कि कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बढ़ने जा रही है, ये फैक्ट है और इस फैक्ट को हमको मानना भी चाहिए और इस फैक्ट को हमको ऑब्जर्व भी करना चाहिए। हम पिछले साल की क्लाइमेटिक कंडीशन, इडेफिक कंडीशन को देखें और आज की सिचुएशन को हमको कंपेयर करना चाहिए। ये फैक्ट है। अगर हमने इस चेंज को, इस निगेटिव चेंज को अगर हमने नहीं रोका, इस एनवायरनमेंट को अगर हमने नहीं कंजर्व किया, तो दिस इज वेरी डेंजरस। आवर एनवायरनमेंट चेंज, सो डज द नीड टू बिकम इंक्रीजिंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम दैट सराउंड अस। हमारे चारों तरफ जिस तरह की क्राइसिस हम देख रहे हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, उसको कंजर्व करने के लिए एक्ट करना पड़ेगा। विद ए मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक वार्मिंग एंड कूलिंग पीरियड, वार्मिंग और कूलिंग पीरियड, किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस तरह से टेम्परेचर घट रहा है, उसकी पीरियड कितना है, उसको हमको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर पैटर्न्स एंड मच मोर, पीपुल नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आवर प्लेनेट इज फेसिंग।
हम किस तरह की वेदर कंडीशन फेस कर रहे हैं, हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उसको हमको फील करना पड़ेगा, इस फैक्ट को हमको जानना पड़ेगा और इसको किस तरह से कम करना है इस पर हमको एक्ट करना पड़ेगा, हमको फिजिकली इस पर एक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कुछ देर पहले कहा था कि हमको प्रायोरिटी के हिसाब से कुछ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे हम ग्लोबल क्राइसिस इन्वायरमेंटल क्राइसिस को कम कर सके, रोक सके। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। ग्लोबल वार्मिंग अब इस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि ये सही है, ये सच है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अबाउट आवर करेंट लिवलीहुड्स, आवर प्लेनेट इज वार्मिंग अप एंड वी आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और हम इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन पॉपुलेशन ही इसके पीछे, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। However, this is not the only environmental problem that we should be concerned about. All across the world, people are facing a wealth of new and challenging environmental problems every day. हम दिन प्रतिदिन तरह तरह की environmental problems को face कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर चर्चा करना चाहूंगा यूक्रेन और रसिया युद्ध की। आने वाला समय तेल के लिए, गैस के लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन देगा। इसलिए दिन प्रतिदिन तरह तरह का, इसीलिए देखिए नई तरह की बीमारियां भी आ जा रही। Some of them are small and only affect a few ecosystem, but others are drastically changing the landscape of what we already know. Kuch problems ecosystem ek particular zone ko hi affect kar rahi hain, ek particular ecosystem ko hi disturb kar rahi hain, par kuch problems jo global hain, tabhi humne kaha warming, global warming, this increasing temperature of the globe is not local. अगर भारत का 100% एरिया प्लांटेशन कर दिया जाए तब भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भारत पर नहीं पड़ेगा। दिस इज ग्लोबल। जो भी हम सिस्टम में इमिट कर रहे हैं, जो भी हम अर्थ में इमिट कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, इसको हम एसेस नहीं कर सकते। इसलिए हमको हर तरह की प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उस पर कंसर्न लेना पड़ेगा, उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो ये टॉपिक दिया गया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज की जरूरत ये टॉपिक थी। जॉन पॉल सेकंड ने एक स्टेटमेंट दिया, द अर्थ विल नॉट कंटिन्यू टू ऑफर इट्स हार्वेस्ट। ये जो धरती है ये आपको लगातार दोहन करने नहीं देगी, एक्सेप्ट विद फेथफुल स्टीवर्डशिप। आप कहो कि हम आपके पालक हैं, हम ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहे हैं, ये मान करके ये अर्थ आपको ज्यादा चांस नहीं देगी। आप इसका जितना भी दोहन करें, रिसोर्सेस क्या हैं? रिसोर्सेस ये हैं, ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट्स को जो मीट आउट करती है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। और आपको पता है ये रिसोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स और एक को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो हो गए जो अपने को रिप्लेनिश कर सकते हैं,
रिन्यू कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परंतु जो दूसरा रिसोर्स है जिसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज विच आर नॉट एबल टू रिप्लेनिश इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो एक छोटे हजारों साल के समय में रिप्लेनिश नहीं हो सकता, इसलिए ये रिसोर्सेज स्टॉक है इस धरती के अंदर, इस पर्यावरण के अंदर ये स्टॉक है, और इस स्टॉक का जितना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम करेंगे उतनी जल्दी हम इसको खो देंगे। तो इसीलिए जॉन पॉल सेकंड ने कहा कि द अर्थ विल नॉट कंटिन्यू टू ऑफर इट्स हार्वेस्ट एक्सेप्ट विद फेथफुल स्टीवर्डशिप। वी कैन नॉट से वी लव द लैंड, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं धरती माँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। एंड देन टेक स्टेप्स टू डिस्ट्रॉय इट फॉर यूज बाय फ्यूचर जनरेशन, और हम आने वाले जनरेशन की दुहाई दे करके आपका दोहन कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। एक तरफ हम ये कहें कि हम आपसे प्यार भी करते हैं और दूसरी तरफ हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ये मान करके कि आने वाले दुनिया के लिए, आने वाले समय के में, आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ अच्छा कर जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी दे जा रहे हैं, फास्ट डेवलपमेंट दे जा रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, ये नहीं हो सकता। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इस धरती का बहुत ज्यादा दोहन नहीं कर सकते, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए डेंजरस होगा। अब मैं एक एक करके जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे करीब हम डिस्कस कर रहे हैं कि 7 types ऑफ पॉल्यूशन हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन, एंड दीज आर प्राइमरी कॉजेस दैट अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट इन मेनी वेज। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये हमारी धरती को तरह तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। ऑल दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर इंटरलिंक्ड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। हम ऐसा नहीं मानते कि एयर पॉल्यूशन अकेले ही रिस्पॉन्सिबल है या एयर पॉल्यूशन अलग है। अगर किसी भी तरह का पॉल्यूशन अगर होता है तो अल्टीमेटली वो एयर, लैंड और सॉयल को तो इंपैक्ट करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि these 7 types ऑफ पॉल्यूशन आर इंटरलिंक्ड, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम एयर पॉल्यूशन करते हैं, इट मींस वी आर आल्सो अफेक्टिंग द लैंड, आल्सो अफेक्टिंग द वाटर बॉडीज, सो इट इन्फ्लुएंस ईच ह्यूमन बीइंग्स, देयरफॉर वी नीड टू टैकल ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो हमने जो ये 7 तरह के पॉल्यूशन की बात की, हमको इन 7 तरह के पॉल्यूशन को एक साथ हैंडल करना पड़ेगा, ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम इस प्रॉब्लम से अपने को बचा नहीं सकते। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉयल रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रिकोप। ये जो हम एयर पॉल्यूशन है, ये वाटर पॉल्यूशन है, ये सॉयल पॉल्यूशन है, ये जो है ये हम उसको तुरंत नहीं ठीक कर सकते, इसको ठीक करने के लिए हमको हजारों साल लगेंगे। इसलिए हमको इस पॉल्यूशन को अधिक से अधिक रोकने की जरूरत है। इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट आर द नंबर 1 पॉल्यूटेंट्स। और जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से
व्हीकल का नंबर बढ़ रहा है, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, जो भी ये मीडियम्स हैं, ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एसिड रेन्स की बात की थी। एसिड रेन में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड और नाइट्रोजन इन व्हीकल से ही निकलता है और यही वाटर से रिएक्ट करके पॉल्यूशन क्रिएट करता है। हैवी मेटल्स भी कारण है एयर पॉल्यूशन, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के लिए, और वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। हमने क्या किया कि डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, पर हमने क्या हुआ कि सीवर लाइंस या वाटर सप्लाई इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जैसे 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन के और भी कारण है, इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, ऑपरेशन है, घर बन रहे हैं पर हम जो सीवेज है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज क्रिएटिंग वाटर पॉल्यूशन। एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और इनका जो रन ऑफ है ये वाटर पॉल्यूशन को इनहांस कर रहा है। ऑयल स्पिल्स इसके रीजंस हैं, केमिकल वेस्ट डंपिंग इसका रीजन है, और रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्चार्ज। इस कारण हम क्या करते हैं कि एयर पॉल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन इज कॉज बाय वेरियस गैसेस एंड टॉक्सिक रिलीज बाय इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एंड कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द बिगेस्ट कंपोनेंट, बिगेस्ट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, सर्टेन गैसेस सस्पेंडेड इन द एयर, एरोसोल्स, व्हीकल एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज, डस्ट, पॉलेंस, मोल्ड स्पोर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, वाइल्ड फायर आर द रीजन, आर द कॉजेज, आर द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। सॉयल पॉल्यूशन इज ड्यू टू इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट डिप्राइव सॉयल फ्रॉम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एंड दिस इज दिस स्लाइड इज शोइंग पॉल्यूटेंट्स इमिशन। पॉल्यूटेंट्स इमिशन is by nature, by area, by mobile objects and by stationery. In first, this lightning, volcanic eruptions, wildfire and forest, this is emitting pollutants which are dangerous. And if area is concerned, fast development of cities or urbanization and livestock population also emitting pollutants. If as mobile object is concerned, this aeroplane, car, truck, buses, motorcycles emitting pollutants, and as stationary mean is concerned, buildings are also having role in emitting the pollutants. This is showing land pollution. This is also showing land pollution. This picture showing
emission from the industries and it causes air pollution. इस चित्र के अंदर हमने दिखाया हुआ है कि अगर हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं तो इकोसिस्टम मेंटेन होगा. इकोसिस्टम मेंटेन होगा इसका मतलब है कि टेम्परेचर, सॉयल, प्रोडक्टिविटी, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट होगा. और अगर हम इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जिनको अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, ओवर पॉपुलेशन है, एयर, सॉयल, वाटर, थर्मल, अगर हम पॉल्यूशंस कंटिन्यू, ये फैक्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता बढ़ता जा रहा है, एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो धीरे 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 क्या होगा हमारा एनवायरमेंट में, एयर, वाटर एंड लैंड, धीरे 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 ये इफेक्ट होता जाएगा और ये धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा और इस धरती से मानव जीवन की समाप्ति की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं. तो ये फिगर हमको ये बता रहा है कि जो जिन क्राइसिस को हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस फोटो को अगर आप देख लीजिए तो इस ये एक मैसेज दे रहा है कि ये फैक्ट है कि वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर एनवायरनमेंट और इसका एक और अकेला ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, क्योंकि हम इलीगल तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं. अगर हमने आज के डेट में एयर, वाटर, लैंड पॉल्यूशन को नहीं रोका, डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोका, ओवर पॉपुलेशन को नहीं रोका, तो हम इस तरह की ट्रेजेडी को देखने के लिए तैयार रहें. टेम्परेचर इंक्रीज है होगा और धीरे 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 तरह तरह की ट्रेजेडी हमको फेस करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली इस अर्थ से जो बायो लाइफ है, जो बायोलॉजिकल लाइफ है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. दिस इज फैक्ट. हम नमामि गंगे की बात करते हैं, हम करोड़ों रुपए उसके ऊपर डाल देते हैं और जितना पैसा हम उसमें सैंक्शन होता है उसका 80%, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आप चेक कर सकते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी उस हेड में पैसा डाला गया था उसका 80% केवल केवल एडवर्टाइजमेंट में खत्म हो गया, केवल सेमिनार्स में, केवल मीटिंग्स में, केवल बैनर बनाने में खत्म हो गया. हमने 20% पैसा भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का इस गंगा को स्वच्छ करने में नहीं किया. बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ये देख लीजिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा केमिकल युक्त पानी इस गंगा में जुड़ रहा है, जो गंगा गौमुख से निकलती है और कलकत्ता में समुद्र में गिरती है. इस बीच जिस रास्ते से वो गुजरती है, सीवेज उसके अंदर छोड़े जा रहे हैं. इंडस्ट्री के जितने भी केमिकल युक्त पानी आ रहा है, जो भी गंदगी है, शहरों की गंदगी, ये सब के सब बिना किसी ट्रीटमेंट के इसके अंदर डाले जा रहे हैं और ये धीरे 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 इस वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है और हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक ये जो पानी है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लायक नहीं रह चुका है. ऋषिकेश पहुंचने से पहले तक भी इसमें बहुत सी गंदगी डाली जा रही है, वो भी चेक नहीं हुई है, उसको भी हम ठीक नहीं कर पाए. तो अब हम खुद सोच लीजिए कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है. ये दूसरा चित्र है कि हम किस तरह से प्लास्टिक गंदगी इसके अंदर डाल करके वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर रहे हैं.
soil degradation is another cause of environmental pollution. Globally, food security depends on the factor whether or not soil are in good condition to produce crop. हमने डिस्कस भी किया कि सॉयल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉयल की फर्टिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी लैंड की उतनी अच्छी होगी, यील्ड उतना अच्छा होगा. पर वी आर गोइंग ऑन डिप्लीटिंग, वी आर गोइंग ऑन डिग्रेडिंग आवर लैंड, आवर सॉयल. अकॉर्डिंग टू यूएन एस्टिमेट, यूएन के एक एस्टिमेट से हमको ये पता चला, About 12 million hectares of farmland per year gets seriously degraded. हर साल पूरी दुनिया में 12 million hectare farmland degrade हो रहा है. तो देख लीजिए, rate of degradation, rate of soil erosion, rate of depletion in nutritional level of the soil is going on decreasing due to soil erosion, due to overgrazing. Overgrazing means grazing of animals more than their carrying capacity. Carrying capacity means a land successfully withstand a number of animals per unit area, किसी निश्चित एरिया में, on the basis of productivity of that land, उस लैंड की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर, किसी जमीन पर कितने एनिमल्स को सक्सेसफुली ग्रेज करा सकती है, that is its carrying capacity. और अगर हम किसी भी लैंड में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा एनिमल्स को फीड करा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं एनिमल्स को, इसका दिस इज नोन एज ओवर ग्रेजिंग. और ओवर ग्रेजिंग का मतलब है कि जो पैलेटेबल ग्रासेस हैं उन पर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगे, और जो नॉन पैलेटेबल, पैलेटेबल माने एनिमल्स को खाने लायक घास, ये बेस्ड होती है succulency of that grass, digestibility के ऊपर, liking के ऊपर. तो धीरे 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 अगर हम carrying capacity से ज्यादा animals को graze करेंगे तो this healthy pasture land is moving towards unhealthy or degraded pasture land. Over exposure of pollutants, which is also the reason of soil degradation. Monoculture techniques, we have to go for multiple or polyculture technology to protect our soil. There is also cases of soil compaction. Samay ke saath saath land ke upar pressure se land compact ho ja rahi hai. Land compact hone ka matlab hai ki jo land ki ke jameen ke andar जो ऑक्सीजन का मूवमेंट है, कार्बन का मूवमेंट है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और नहीं होने के कारण प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करेगी. लैंड यूज कन्वर्जन, हम लगातार लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसमें नए नए प्रोग्राम्स कर रहे हैं. फॉरेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड है तो हमने उसको डेवलपमेंट कैंसिल कर दिया, या बिल्डिंग बनाने लग गए, तो इस तरह भी हम soil को degrade कर रहे हैं. And many more regions of soil degradation. Nowadays, a wide range of techniques of soil conservation and restoration exist. आज के समय में हमारे पास बहुत सी technologies हैं, हम अपने soil को कैसे conserve कर सकते हैं. अगर हम conserve करने की बात करते हैं तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा लैंड को लैंड यूज क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही यूज करना चाहिए. अगर लैंड स्लोप लेस देन 8% है, उसी लैंड को हम एग्रीकल्चर
प्रोडक्शन के लिए यूज करें, और जहां तक यूज हो, जहां तक हो सके, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लैंड टेरेसिंग, बेंच टेरेसिंग, या जो भी हमारे पास जो मैकेनिकल मीजर्स एडॉप्ट करके हम उस स्लोप को कम कर सकते हो, जिससे कि अगर हम सॉइल को ज्यादा एक्सपोज करते हैं, ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो हम इसका मतलब है कि वी आर इंक्रीजिंग इरोजन। और आपको पता है कि जब सॉइल इरोजन होता है तो टॉप 10 सेंटीमीटर सॉइल जो है सबसे फर्टाइल सॉइल होती है वही लॉस होती है। इसीलिए गंगा प्लेन इज फर्टाइल, गंगा नदी का जो क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, वो ज्यादा फर्टाइल इसीलिए है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है हमारे, जहां पर हम सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब बारिश आती है तो ये टॉप सॉइल बह करके जहां पर उसका फ्लो कम होता है वहां सेडिमेंटेशन हो जाता है, वहां वो फर्टाइल सॉइल जा करके वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। वी हैव टेक्नोलॉजी ऑफ जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, हम सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब करें जिससे कि इरोजन के चांसेस कम हो। हमको लगातार क्रॉप रोटेशंस को यूज करना चाहिए, हमको वाटर रिटेंशन बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम सॉइल डिग्रेडेशन को कम कर सके। ये जो ग्लोबल मैप है ये दर्शा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ये डार्क ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है ये वेरी डिग्रेडेड एरियाज हैं। भारत ही नहीं, भारत का वेस्टर्न रीजन, मिडिल टू वेस्टर्न, मिडिल टू साउथ वेस्ट रीजन, ये वेरी डिग्रेडेड सॉयल जोन के अंदर आता है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का क्षेत्र है। और कुछ एरिया जहां पर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, हमने कैटेगराइज किया हुआ है इस मैप में, कैटेगराइज किया हुआ है कि डिग्रेडेड एरिया कौन सा है, वेरी डिग्रेडेड कौन सा है, डिग्रेडेड एरिया कौन सा है, स्टेबल एरिया कौन सा है, और विदाउट वेजिटेशन एरिया कौन सा है। तो आप इस चित्र से ये क्लियर हो जाता है कि पूरी दुनिया में डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन किस रेट से हो रहा है। 12 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर लैंड डिग्रेड हो रही है। तो अब हम इस लैंड को कंजर्व करना है, और अगर हम इसको कंजर्व कर पाते हैं तो हम जो गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके हम इसको मेकअप कर सकते हैं। अनदर मेजर प्रॉब्लम इज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज लाइक ग्लोबल वार्मिंग आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो हम अनसाइंटिफिक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अनसाइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे अनसाइंटिफिक तरीके से फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं। जैसे अगर हम सोलर एनर्जी यूज करते इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, मेजॉरिटी ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल बर्निंग। हमारा जो बिजली का उत्पादन है उसका अधिकतर भाग कोयला जलाने से, फॉसिल फ्यूल बर्न करने से हम जनरेट कर रहे हैं जो कि इमिट कर रहा है। तो हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बढ़ा रहे हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग लीड टू राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द ओशन, ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड द अर्थ सरफेस कॉजिंग नेचुरल डिजास्टर दैट इंक्लूड फ्लड, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, राइजिंग सी लेवल, एंड ऑल्सो अननेचुरल पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन सच एज फ्लैश फ्लड्स, हरिकन्स, वाइल्ड फायर, ड्रॉट, एक्सेसिव स्नो और डेजर्टिफिकेशन। तो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जिससे तरह तरह की प्रॉब्लम्स, फ्लड है,
मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस है, सी लेवल का इंक्रीज है, ड्रॉट है, रेनफॉल पैटर्न का जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, ये जो कारक हैं, ये हमारे द्वारा ही जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बढ़ने के कारण हुई है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। दिस इज शोइंग कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें से कुछ वेव्स एब्जॉर्ब करी जाती है, और जिसको अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से कुछ इंफ्रा रेड रेडिएशंस इमिट होते हैं, और उनमें से कुछ इस अर्थ पर री इमिट हो जाते हैं, जिससे इस ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे ही इस फिगर से ये क्लियर होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें से कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जो कि करीब करीब 42% है, जिसको कभी हमने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं एल्बिडो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें से कुछ भाग एनवायरनमेंट में आकर के रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जिसको हम एल्बिडो बोल रहे हैं, और कुछ जो है वो अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और उसको इंक्रीज होने पर क्या है कि कुछ इंफ्रा रेड रेडिएशंस इन्वायरमेंट से निकल जाती हैं, और कुछ री इमिट हो जाती हैं, जिससे कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंक्रीज होकर टेम्परेचर बढ़ता है। ये जो पहला चित्र दिया था, इससे पहले हमने एक ट्री दिखाया था, यहां पहुंचने के बाद मुझको लगा कि आपको फिर आगाह करना है, और फिर आगाह करने के लिए फिर हमने दूसरा एक पीपीटी इंटरनेट से डाउनलोड करके लिया कि अगर आप ग्लोब को बचा पाएंगे तो इस तरह से इकोसिस्टम मेंटेन होगा, और हम नेक्स्ट जनरेशन को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाएंगे, और एक हेल्दी क्रॉप ट्री एनवायरनमेंट इकोसिस्टम दे पाएंगे। अदरवाइज अगर हम इसी तरह से इन एनवायरमेंटल क्राइसिस को इग्नोर करते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा अगली जनरेशन के लिए। तो ये पुनः एक बार चित्र देने का मतलब ये है कि हम आपको फिर रिफ्रेश कर देते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, इसको हमको सीरियसली लेना पड़ेगा, इस पर हमको सीरियसली एक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने सीरियसली एक्ट नहीं किया तो वी विल फेस ए टफ टाइम फॉर आवर कमिंग जनरेशन। ओवर पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेनेट इज रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल एज इट फैक्ट्स ए शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, फ्यूल एंड फूड। इस पर मैंने बात भी की कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हमने एग्जाम्पल भी दिया कि जो भारत है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरी दुनिया का 2.47% एरिया है। आउट ऑफ दिस 2.47, लेस देन 50% एरिया जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए भी है, हैविंग डिफरेंट फर्टिलिटी लेवल। और इसी से हमको अपने पूरी पॉपुलेशन का पेट भरना है, और अगर ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत टफ होगा टू प्रोवाइड वाटर, टू प्रोवाइड फूड, टू प्रोवाइड फ्यूल, टू मेंटेन प्रॉपर सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ये हमारे लिए मैनेज कर पाना बहुत टफ है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज स्ट्रेनिंग द ऑलरेडी स्कर्स रिसोर्सेस।
ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इससे क्या है कि सब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के सामने रिसोर्सेज की स्कर्सिटी होनी शुरू हो गई है। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू प्रोड्यूस फूड डैमेज द एनवायरनमेंट थ्रू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अभी हमने कहा था कि जो डिमांड और सप्लाई के बीच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें, सीरियल्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, ऑयल सीड्स की बात करें, फाइबर्स की बात करें, फ्लॉसेस की बात करें, मेडिसिन प्लांट्स की बात करें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और इन रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए हम लगातार एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। और आपको मैंने कहा भी था कि 90% ऑफ द इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वी आर यूजिंग टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप इज क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस लाइक एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन एज वेल एज वाटर पॉल्यूशन। हम इस धरती पर जितना भी केमिकल डाल रहे हैं उसका 90% जो केमिकल हमने डाला है उसका 90% इस धरती के इस एनवायरनमेंट में, इस लैंड में, इस वाटर में जा करके उसको कंटामिनेट और पॉल्यूट कर रहा है। केवल लेस देन 10% केमिकल इज यूज टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप। हमारी क्रॉप को केवल 10% से कम जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहा है, बाकी हमारे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओवर पॉपुलेशन इज आल्सो वन ऑफ द क्रूशियल करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। आज हमारे देश के सामने ओवर पॉपुलेशन, हमारे दुनिया के सामने ओवर पॉपुलेशन बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये देखिए, इस तरह की पॉपुलेशन होगी तो लोगों के लिए रहने खाने पहनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर होगी तो देखिए ट्रेन ऐसे चल रही है, कहीं कहीं पर जाना होगा तो आपके पास स्थान ही नहीं होगा। ये तो केवल एग्जाम्पल दिया हूं कि अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो आपका व्हीकल, आपके पास स्थान नहीं होगा, स्कूल कॉलेज सड़कें नहीं होंगी, हम किस तरह से आगे को मूव करेंगे। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जो फैक्टर है, दिस इज पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ है। जब तक हम इसको कम नहीं कर पाएंगे, हम कितनी बातें कर लें कि हम इस एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग को चेक कर देंगे, ग्रीन हाउस गैस को चेक कर देंगे, हम सॉयल डिप्लीशन रोक लेंगे, सॉयल इरोजन रोक लेंगे, हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन को रोक लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमको सबसे पहले जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसको रोकना पड़ेगा अगर हम इन एनवायरमेंटल क्राइसिस को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रोकना चाहते हैं। तो अनदर फैक्टर इज नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन। हमने कहा रिसोर्स क्या है, रिसोर्स वो है जो हमारे रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है। तो अनदर क्रूशियल करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, इसलिए डे टू डे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर बढ़ गया। वी ह्यूमन यूज सो मैनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इट वुड नीड ऑलमोस्ट 1.5 अर्थ टू कवर ऑल आवर नीड्स। आज हमारी जो जरूरत है
उसके जरूरत के लिए हमको एक धरती और बनानी पड़ेगी। अगर ये धरती जिसका लैंड एरिया हमने कहा था 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, इसको डेढ़ गुना करने पर आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी मीट आउट होना टफ है। तो इस धरती का डेढ़ गुना चाहिए अगर आज की जो हमारी पॉपुलेशन है, जो आज की हमारी रिक्वायरमेंट है, जो आज की हमारी नीड है, उसको मीट आउट करने के लिए अभी आधी धरती और चाहिए। वो आज के डेट में, अगर आज के बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमको दूसरी धरती खोजनी पड़ेगी। आज हमारे रिसोर्सेज इतनी कम हो गई हैं कि उनको मीट आउट करने के लिए इस जो अर्थ है, इस अर्थ का 1.5 टाइम्स अर्थ चाहिए, तब हम जा करके, इसका मतलब है कि हमने इस अर्थ को बहुत एक्सप्लॉइट कर दिया, बहुत ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है। ठीक है, दिस विल फर्दर इंक्रीज इन द फ्यूचर ड्यू टू मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना। जिस रेट से इंडिया और चाइना या ग्लोबल लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन देना बढ़ रहा है, ये बहुत डेंजरस है। इंक्रीज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड टू नंबर ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन। ये चित्र ये कहता है कि रिसोर्स डिप्लीट क्यों हो रहे हैं। रिसोर्स डिप्लीट इसलिए हो रहे हैं कि हम डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर फिशिंग कर रहे हैं। इस दुनिया के अंदर क्राइसिस, इलेक्ट्रिक क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, वाटर कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे 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 क्या है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को डिप्लीट करते चले जा रहे हैं। आज की डेट में जो भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज दो तरह के हमने डिस्कस किया, एक रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल है, इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है। इन रिसोर्सेज को अगर हमने कंजर्व कर लिया तभी हम इस अर्थ को सुरक्षित कर सकते हैं, अगले जनरेशन को कुछ दे सकते हैं। ओवर टाइम नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट विल लीड टू एन एनर्जी क्राइसिस। The chemicals emitted from many natural resources contribute to climate change. Fossil fuel consumption results in the emission of greenhouse gases, which is primarily responsible for global warming and climate change. Globally, people are making effort to shift to renewable resources of energy like solar, wind, biogas, geothermal energy is example है कि आज के डेट पर हम कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज को, रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम जो क्राइसिस है उसमें कुछ, उस क्राइसिस को कम करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको उन एनर्जीज पर जाना पड़ेगा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है वो रुक सके। अनदर प्रॉब्लम इज जनरेटिंग अनसस्टेनेबल वेस्ट। हम पूरे टाइम में कुछ न कुछ इस तरह की चीजें अननेसेसरी इकोसिस्टम में डाल रहे हैं जो कि इकोसिस्टम को पॉल्यूट कर रहा है। द ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट ड्यू टू आवर हाइपर कंजप्शन इज ए मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट। हम जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज नहीं कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज हैं उनका हम न्यायोचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज हैं हम उसका ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं
और ओवर कंजम्पशन करने के कारण अननेसेसरी वेस्ट को हम इकट्ठा कर रहे हैं। एज पर द स्टडी द एवरेज पर्सन प्रोड्यूसेस 4.3 पाउंड्स ऑफ वेस्ट पर डे। पूरी दुनिया में पर पर्सन 4.3 पाउंड वेस्ट हर दिन पैदा किया जाता है। और अगर हम अमेरिका की यूएस की बात करें तो वहां पर पर्सन पर ईयर 220 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट इस सिस्टम के अंदर डाला जा रहा है। दिस हाइपर कंजम्पशन रिजल्ट इन नॉन बायोडिग्रेडेबल थ्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग टॉक्सिक ई वेस्ट एंड हार्मफुल केमिकल्स विच अल्टीमेटली लीच डाउन एंड कंटेमिनेट आवर वाटर बॉडी। तो हमारा जो हाइपर कंजम्पशन है उसमें बहुत से नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ मिल रहे हैं जो कि इस अर्थ में लंबे समय तक रह करके इस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह ये देख लीजिए प्लास्टिक है या इस तरह की चीजें हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको अगर हम बर्न भी करते हैं तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस। और अगर इसको हम मिट्टी में दबा दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि इसको डिग्रेड होने में इतना टाइम होगा, इकोसिस्टम को एफेक्ट करेगा। ये एग्जांपल है। व्हेन द वेस्ट एंड्स अप इन लैंडफिल, और जो हम जो शहरों के बाहर लैंडफिल्स बनाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल को डंप करते हैं, वो बहुत खतरनाक है। उससे बहुत ज्यादा मीथेन निकलती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, वन ऑफ द वर्स्ट ग्रीन हाउस गैस बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोटेंशियल टू द ग्लोबल वार्मिंग। जो हम लैंडफिल, हम जो पूरे शहर के कूड़े कचड़े को एक जगह डंप कर दे रहे हैं, ये भी एक बहुत डेंजरस ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करती है, मीथेन प्रोड्यूस करती है जो कि डेंजरस है। दे ऑल्सो क्रिएट सीवियर एक्सप्लोजन हैजर्ड्स। कभी कभी इसमें कोई ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो कि एक्सप्लोजन करती हैं, जिससे भी हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जिसको हम एडॉप्ट करके अपने आवश्यकता के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी उसको मीट आउट करें। इसको ध्यान रखते हुए कि इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, हमारे लिए इन्वायरमेंट, जो भी हम यूज करना चाह रहे हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उस रिक्वायरमेंट का जुडिशियस यूज करें, उतना ही उसको यूज करें, उतना ही उसको एक्सप्लॉइट करें जो कि हमारी रिक्वायरमेंट। अनदर प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इज वेस्ट डिस्पोजल। द ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस एंड द क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक्स एंड क्रिएटिंग ए ग्लोबल क्राइसिस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। आज हमारे पास वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रॉपर मेथड्स नहीं है, प्रॉपरली हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज आर नोटोरियस फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेस्ट और गार्बेज एंड डंपिंग देयर वेस्ट इन द ओशन। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपने देश में बहुत तरह के वेस्ट गार्बेज ओशन के अंदर डंप कर रही हैं, जिससे कि जो हमारी मैराइन लाइफ है उसको डैमेज हो रहा है। न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल हैज ट्रेमेंडस हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद इट। प्लास्टिक, फास्ट फूड पैकेजिंग, चीप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट threaten the well-being of human beings. So, waste disposal is therefore one of the urgent current environmental problem. इसका मतलब है कि जो waste disposal है उसको proper तरीके से dispose of करना
हमारी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ और टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. अनदर रीजन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इज डिफॉरेस्टेशन. आवर फॉरेस्ट आर नेचुरल थिंग. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस फ्रेश ऑक्सीजन एज वेल एज हेल्प इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल और एमलियोरेटिंग द इन्वायरमेंट. एट प्रेजेंट इन ग्लोबल लेवल 30% नियरली 30% एरिया इज अंडर फॉरेस्ट बट एवरी ईयर ट्री कवर इज लॉस्ट. आई हैव गिवन यू सम डाटा दैट this is a change from 31.6% of global land area in 1992 30.6% in 2015. in 25 saalon ke andar jo forest area tha 31.6% se 30.6% kareeb kareeb 1% forest kam ho gaya hai 1990 से लेकर के 2015 तक. बहुत से देश 56 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस पीरियड के अंदर अपने 90 से लेकर के 100% फॉरेस्ट को खत्म कर दिया. अबाउट 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड आर लॉस्ट एनुअली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू क्रॉप लैंड. हर साल कम से कम 13 मिलियन हेक्टेयर लैंड कन्वर्ट कर दे रहे हैं डिफॉरेस्ट करके और 12.5% ऑफ प्लांट्स एंड 75% ऑफ एनुअल स्पीसीज आर थ्रेटेंड बाय डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट के कम होने से 12.5% प्लांट्स और 75% एनिमल स्पीसीज थ्रेटेंड हो गई है जिनके जीवन पर संकट आ गया है. डिफॉरेस्टेशन मीन्स फेलिंग ऑफ ट्रीज विदाउट द इंटेंशन ऑफ रीफॉरेस्टिंग इट. दिस इज यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज रोड नेटवर्क इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉमर्शियल पर्पज. सो वी आर फेलिंग ट्रीज वी आर कटिंग ट्रीज फॉर डेवलपमेंट अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट creating environmental problem. This is deforestation. This is another example of deforestation. One more environmental crisis is polar ice caps. The issue of the melting of polar ice cap is a continuous one. धीरे धीरे जो भी नॉर्थ पोल पे या जो भी आइस कैप है धीरे धीरे वो डिप्लीट हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और ड्यू टू ब्लैक कार्बन. ऑल्दो नासा स्टडीड हैव शोन दैट द अमाउंट ऑफ आइस इन अंटार्कटिका इज इंक्रीजिंग. नासा के रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि अंटार्कटिका में आइस कैप इंक्रीज कर रही है. हाउएवर दिस इंक्रीज इज ओनली 1/3 ऑफ व्हाट इज बीइंग लॉस्ट इन द आर्कटिक. आर्कटिक में आइस कैप का डिप्लीशन जिस रेट से हो रहा है उसके कंपैरेटिवली अंटार्कटिका में इंक्रीज नहीं हो रहा है. इसलिए ओवरऑल पोलर आइस कैप डिक्रीज करती जा रही है. देयर इज इनफ एविडेंस that shows sea level are rising and the melting of arctic ice cap is a more contributor. Over time the melting of polar ice cap could lead to extensive flood contamination of drinking water and major challenges in ecosystem. This ppt showing depletion of polar ice cap. This red circle is actual
ice cap area in 1979 and it depletes up to 20%, and this is showing rate of depletion. In another photo in 1984, this is the cover area of North Pole ice cap, or in 2016 it depleted by this level.